हालिया सैलाब से हमारा काफ़ी नुकसान हुआ, जिसमें मेरी अपनी फसल चावल और मकई मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है। AIAID का और USAID का और अपनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का तहे दिल से मशकूर हूँ कि इस मुश्किल हालात में सबसे पहले उनका एक प्रोजेक्ट चला, जिसमें गंदम की बीज और फर्टिलाइज़र हमें मुहैया की गई, जिसके हमारे अच्छे असरात वो हो रहे हैं। अब दूसरी जो इनके प्रोग्राम चल रहा है वेजिटेबल का, उनके बीज हमें मुहैया किए गए हैं, जिसके हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। असा USAID का शुक्रिया अदा करें, लेकिन असा हाले अपने पैरों से खड़े रहे तो सारे पूरे इलाके का काफ़ी नुकसान थी। पहले सैलाब आया है, उनकी वजह से सारे काफ़ी नुकसान थे, सारे घर के नुकसान थे, सारी जमीन के नुकसान थे, सारे फसलों के नुकसान थे। उनकी वजह से उसे सबू USAID की वजह से उसे सबू थोड़ी बहुत हेल्प पी गई, जी खाद दी है सबू सब्जियों का बीज दीते हैं। सैलाब है सारे बड़े नुकसान थे, फसल खराब थे, बहुत ज़्यादा नुकसान किया। इस इदारे ने सारा बड़ा तावन किया है, कणक तो बीज दीते है, खाद दीती है, सब्जियां भी पहले सब्जियां तो काश्त करें ऐसे, लेकिन सारे को इतना हाईब्रिड बीज भी कोना है। मकसद है इन सब को हाईब्रिड बीज दीता है, ये ट्रेनिंग दीती है, तरीकाकार समझाया है कि इस तरीकेकार न लो, इस तरीकेकार थोड़ी आमदनी ज़्यादा थी वैसी पहले लेंदे ऐसे, लेकिन सारे को इतना तजर्बा कोना है। हूँ माशाल्लाह इन्हें ज़्यादा ट्रेनिंग दी है, इन्हों ने शुक्र गुजार हैं, इन्हें बड़ा तावन किया। ये जरा सैलाब है 2022 इस नाल शोरकोट का इलाका इस नाल नाल आस पास के इलाके काफ़ी मुतासर थे, खासकर सारी जरा के तरफों जरा सा फसल है ये बहुत खराब थे, जैसे चावल मुकम्मल तौर उत्ते खराब किए गए, सब्जियां भी हैं वही खराब थी। सारे नाल तावन किया है USAID के पासों, बेहतरीन किस्म का खाद बीज मिला गए, सब्जियां काश्त करो, जेरे तरीकाकार असा इन को दिठा है, ये तरीका असा पहले नहीं दिठा। हूँ इन्हें सब को ट्रे दिते उस हाईब्रिड का बीज दिता गया, जेदे असा आराम नाल भाई को लो, ठीक है थोड़ी मेहनत है, लेकिन इस विच पैदावार इस बहुत सारा फर्क आ रहा है। तो USAID दे इर्जा दे इन्हों शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने लोगों ने सर तावन किया है,